सात मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हुआ तो खाना भी मुयस्सर नहीं था, लेकिन जिक्र पानी का होता है इसलिए कि खाने के बगैर इंसान कई दिन काट लेता है लेकिन पानी के बगैर गुजर नहीं होती। तो फुरात की नहर सामने अपनी मौजों के साथ चमक रही है लेकिन एक कतरा आप भी आले रसूल को नहीं दिया जा रहा। कायनात के अंदर ऐसे अनोखे इम्तिहान भी होते हैं। वारिसों साकिये कौसर के, मालिक हों हौजे कौसर के और बेटे हों साकिये कौसर के, और आज एक बूंद पानी की भी मुयस्सर ना हो। सबर का इम्तिहान है, अजीमत का इम्तिहान है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने खैमा जन हो गए, 3 दिन तक पानी बंद रहता है। 9 मुहर्रम को रात की तन्हाई में हमलावर होना चाहते हैं लेकिन आपने कहा कि हमें अल्लाह के हुजूर इबादत और जिक्र के लिए वक्त दिया जाए। सारी रात जिक्र में गुजरती है, इबादत में गुजरती है। रात के अंधेरे में आप चिराग बुझा देते हैं। आवानु अंसार को कहते हैं कि इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, इन्हें मेरा खून चाहिए। अगर तुम रात की तारीकी में निकल जाओ तो मैं तुमसे कोई मुआख्जा नहीं करूंगा और ये भी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, इसलिए कि इनका मतलूब तुम नहीं हो, इनका मतलूब मैं हूं। जब चिराग जलाया तो कोई भी नहीं गया। मुस्लिम बिन औसजा खड़े होकर कहते हैं, हजरत अगर हमारे बदन को 70 बार काटा जाए और जलाया जाए और हवाओं में उड़ा दिया जाए फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 70 साल के बूढ़े हैं हबीब बिन मुजाहिर, कहते हैं हजरत आपको छोड़ के जाएं कहां, आपको छोड़ के जाएं कहां, कोई साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्यास है, सख्त गर्मी है, करबला का माहौल है। 72 अफराद और खानदान की खवातीन मैदान करबला में खैमा जद है। दूसरी तरफ लश्कर आदा अशकिया 22,000 की तादाद में मुकाबले, एक रिवायत 30,000 की। इन सिर्फ 72 प्यासे लोगों के लिए इतने लोगों को जमा करने का मकसद खौफ जदा करना था, शर्त एक या यजीद की बैत कर लें, मुहासरे तोड़ देंगे, पानी दस्तयाब होगा, इजाज़ो इकराम से नवाजा जाएगा, खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे। लेकिन हुसैन इब्ने अली कहते थे सब कुछ लुट जाएगा, बातिल के हाथ पे हाथ नहीं रखता।